प्रदेश में ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलें खराब हुई है। ओलावृष्टि से खेतों पर बर्फ की चादर बिछ गई थी, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अब देश के अन्नदाता सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। शासन प्रशासन ने भी खेतों का दौरा कर सर्वेक्षण किया। मंदसौर में भी ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं, अलसी, मेथी जैसी कई फसलें बर्बाद हो गई है। अब किसान सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि सरकार उनके इस संकट के समय में मदद करेगी। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए शासन प्रशासन के अधिकारियों ने खेतों का दौरा किया और सर्वेक्षण किया। दौरे को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि 15 दिनों से ओलावृष्टि की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भाजपा सरकार को किसानों की कोई फिक्र नहीं है। वहीं किसान मोर्चा मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि हमने किसानों से बात की है, सर्वे किया जा रहा है। स्थानीय विधायक ने किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए पहल की है। तहसीलदार ने सर्वे को लेकर कहा कि नुकसान की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जाएगा। देखिए, फसल नुकसानी का अगर अपन आकलन करें तो बीते 15 से 20 दिनों से लगातार मंदसौर अंचल पूरा इस अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से परेशान है। पहले गुराड़ा दीदा, साबाखेड़ा, सिंपन, फिर इस क्षेत्र में, फिर मल्हारगढ़ के क्षेत्र में, मेरे ख्याल से पूरा मंदसौर जिला ही इससे प्रताड़ित है। जहाँ तक शासन की बात करें तो शासन की ओर से कोई पहल नज़र नहीं आ रही। पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में जगह जगह अंचल पहुँच रहे हैं। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जिला कांग्रेस का सोमिल भाई, पाटिल साहब, महेन भाई, मंजीत भाई, मैं स्वयं और हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण सभी अलग अलग क्षेत्रों में इस समय घूम रहे हैं ताकि मौके पर जाकर सर्वे कर सके कितना नुकसान हुआ है। जहाँ तक बात करेंगे शासन की, मेरे ख्याल से हमारे मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक यशपाल सिसोदिया, हमारे यहाँ के सांसद सुधीर गुप्ता, अभी तक मैं बीते 15 दिनों की बात करूँगा तो क्षेत्र में नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय विकास यात्रा, जो एक विकास यात्रा लेकर के निकले थे जिसमें उन्होंने ढकोसलेबाजी करी। मेरे ख्याल से इस प्रकार की ढकोसलेबाजी से किसानों का पेट नहीं भरेगा। जो मुआवजे की हम बात कर रहे हैं, 100% मुआवजा सरकार की ओर से किसान भाइयों को मिलना चाहिए। आज हम लोग हमारे मंडल के अध्यक्ष विकास जी सुराना जी के साथ, आपके नेतृत्व में SDM साहब और तहसीलदार साहब के साथ में, हमारे भाजपा के युवा नेता भानु प्रताप सिंह जी और पूरी टीम, हमारे भाजपा के सभी पदाधिकारी एक साथ सर्वे के लिए निकले, जिसमें ग्राम नगरी, ग्राम कचनारा और लसुड़िया इला तीनों ग्राम पंचायतों में बहुत अधिक मात्रा में ओले गिरे। हम लोगों ने अपनी आँखों से ओले अभी तक, मतलब रात को करीब 7-8 बजे के आसपास बारिश हुई, उसके ओले अभी तक पड़े हुए हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं और नुकसानी बहुत ज़्यादा हुई है, इसमें संशय वाली कोई बात नहीं है। ये कल रात में जो ओलावृष्टि हुई है तहसील दलोदर क्षेत्र में, इसने 3 गांवों में ओलावृष्टि की सूचना प्राप्त हुई थी। आकर देखा गया तो वास्तव में यहाँ पर ओलावृष्टि होना पाई गई। इसी कारण ये तीनों गांवों के लिए सर्वे दलों का गठन कर दिया गया है और सर्वे दलों ने आज सवेरे से ही फील्ड में जाकर एक एक खेत में पहुँच के सर्वे करना प्रारंभ कर दिया। अभी सर्वे चल रहा है प्राइमरी तौर पर, जिस स्थान पर ओलावृष्टि हुई है वहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है, बट अभी कम्प्लीट 100% सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद में ही एग्जैक्टली बता पाएंगे कि कितने किसानों का कितना प्रतिशत। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।